स्वागत है आपका जीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। आज क्रिकेट के भगवान का जन्मदिन सचिन तेंदुलकर आज यानी 24 अप्रैल 2022 को 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुंबई में जन्मे इस खिलाड़ी ने करियर में इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं कि उनकी बराबरी करना कई खिलाड़ियों के लिए सपना जैसा है। 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर उतरे तेंदुलकर ने 24 साल तक मैदान पर अपना जलवा बिखेरा। आइए आपको क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी के बारे में इस वीडियो के जरिए बता दें कि मुंबई के बांद्रा की साहित्य सहवास कॉलोनी में सचिन तेंदुलकर का बचपन। वो बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और बहुत शरारती भी थे। साथ ही सचिन तेंदुलकर ने विनोद कामली के साथ स्कूल क्रिकेट में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। दोनों ने शारदाश्रम स्कूल के लिए खेलते हुए तीसरे विकेट के लिए 664 रन जोड़े थे। साथ ही मास्टर ब्लास्टर ने अपना डेब्यू मैच पाकिस्तान के खिलाफ 15 नवंबर 1989 को खेला था। उन्होंने पहली पारी में 15 रन बनाए थे। तेंदुलकर का विकेट वाकर यूनुस ने लिया था। सचिन ने सिर्फ 16 साल की उम्र में दिग्गज स्पिनर अब्दुल कादिर के एक ओवर में 28 रन जमा दिए थे। कादिर के ओवर में सचिन ने 4 छक्के और एक चौका जमाया था। बता दें कि तेंदुलकर ने 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक लगाया था। दूसरी पारी में उन्होंने 119 रन बनाए थे। वहीं पहली पारी में भी उनके बल्ले ने 68 रन निकाले थे। वनडे में तेंदुलकर के बल्ले से पहली सेंचुरी 9 सितंबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में सचिन ने 110 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने सबको तब चौंका दिया जब उन्होंने 24 मई 1995 को महज 22 साल की उम्र में 6 साल बड़ी अंजलि से शादी कर ली। हालांकि 1990 में अंजलि ने पहली बार सचिन को देखा था, तब सचिन महज 17 साल के थे। जिसके बाद 19 मई 1999 को सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर का निधन हुआ था। पिता के निधन के बाद जब दोबारा तेंदुलकर टीम से जुड़े तो उन्होंने केन्या के खिलाफ नाबाज शतकीय पारी खेली। सचिन टीम इंडिया के लिए अच्छे कप्तान नहीं बन पाए। उन्होंने 73 वनडे में कप्तानी की। इस दौरान भारत ने 23 मैच जीते, 43 मुकाबलों में टीम को हार मिली। वही 25 टेस्ट में से सिर्फ 4 में ही जीत मिली, 9 मुकाबले हारे और 12 टेस्ट ड्रॉ रहे। हालांकि सचिन तेंदुलकर का सपना था कि वो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीते। उनका ये सपना 2011 में पूरा हुआ। टीम इंडिया 1983 के बाद पहली बार विश्व विजेता बनी। साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ 16 मार्च 2012 को तेंदुलकर के बल्ले से इंटरनेशनल मैच को 100वां शतक निकला। उन्होंने मैच में 114 रनों की पारी खेली। तेंदुलकर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए 2008 से 2013 तक खेले। इस दौरान उन्होंने 78 मैच से 2334 रन बनाए। उनका औसत 34.84 का रहा। सचिन के 24 साल का करियर 2013 में खत्म हुआ। वो 200 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। जब उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला तो वो रो पड़े थे। सचिन इस समय मुंबई इंडियंस के मेंटोर हैं। भाई उनके बेटे अर्जुन मुंबई टीम के खिलाड़ी भी हैं। साथ ही बेटी सारा लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जीके न्यूज के साथ।